ये नए भारत का नया एसओपी है जिसका शिलान्यास होगा उसी दिन उसके उद्घाटन की टाइमलाइन पर ईमानदारी से काम शुरू हो जाता है। यहां दिल्ली में ही बीते सालों में ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे। अभी कुछ दिन पहले मुझे प्रगति मैदान के पास इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर के लोकार्पण का अवसर मिला है। सरकार के प्रोजेक्ट्स बरसों तक लटके नहीं, समय पर पूरे हों, सरकार की योजनाएं अपने लक्ष्यों तक पहुंचे, तभी देश के टैक्सपेयर का सम्मान है। और अब तो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के रूप में हमारे पास एक आधुनिक प्लेटफॉर्म भी है। नए भारत की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस नए वाणिज्य भवन को भी हर संबंधित क्षेत्र में देश को गति शक्ति देनी है। साथियों, शिलान्यास से लेकर के लोकार्पण तक वाणिज्य भवन इस कालखंड में कॉमर्स के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों का भी सिंबल है। मुझे याद है शिलान्यास के समय मैंने इनोवेशन और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के सुधार की जरूरत पर बल दिया था। आज हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46 स्थान पर हैं और लगातार सुधार कर रहे हैं, पहले बहुत पीछे थे। शिलान्यास के दिन हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार की जरूरत को लेकर चर्चा की थी। आज जब इस बिल्डिंग का, इस भवन का लोकार्पण हो रहा है, तब तक 32,000 से अधिक अनावश्यक कंप्लायंसेस को हटाया जा चुका है। 32,000, कैन यू इमेजिन। शिलान्यास के समय जीएसटी लागू हुए कुछ ही महीने बीते थे, हर प्रकार की शंकाएं आशंकाएं जोरों पर थी। आज हर महीने 1,00,000 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन सामान्य बात हो गई है।